दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से हम एमएस वर्ड में प्राथमिक पाठशाला खोलने के लिए शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से हम इस पत्र को लिखेंगे। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर पर एमएस वर्ड शुरू करना है। इसके लिए आप विंडो प्लस आर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे विन वर्ड। तो आपके सामने एमएस वर्ड एक ब्लैंक कॉपी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फॉन्ट में जा करके हिंदी का फॉन्ट कृतिदेव 010 सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस प्रकार से लिखेंगे सेवा में शिक्षा अधिकारी अवसा प्रदेश शिक्षा बोर्ड प्रकृति नगर विषय प्राथमिक पाठशाला खोलने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल की बहुत आवश्यकता है। गांव के आसपास 3 किलोमीटर तक कोई प्राइमरी विद्यालय ना होने के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सुदूर विद्यालय होने के कारण लड़कियां लगभग अनपढ़ ही हैं। हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 500 है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि हमारे गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कृपा करें ताकि हमारे गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर देश के अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। भवदीय समस्त ग्रामवासी ग्राम प्रगतिपुरा तहसील। इसके बाद आप डाल देंगे फिर जिला लिखेंगे अपना। इस प्रकार पूरा गांव का एड्रेस आप डाल देंगे फिर उसके बाद दिनांक। एमएस वर्ड में जब हम इसे टाइप करते हैं कृतिदेव फॉन्ट लेके तो कौन से अक्षर के लिए हमने कौन सी की प्रेस की है अगर आप ये देखना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पत्र का लिंक आपको मिलेगा उससे इस पत्र को डाउनलोड कर लें। शिक्षा अधिकारी लिखने के लिए क्या प्रेस किया गया था तो आप शिक्षा अधिकारी को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने फॉन्ट में जाकर के इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट यहां पर मैं कैलिबरी फॉन्ट ले रहा हूं तो आपको दिखेगा कि इसके लिए हमने एफ प्रेस किया इन्वर्टेड कॉमा प्रेस किया के प्रेस किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आप ऐसा ही टाइप करेंगे तो शिक्षा अधिकारी ही बनेगा। अगर आपके पास ये पत्र है तो आप इसी को एडिट कर सकते हैं इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।